बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 10 आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली लेक्चर में हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस, जिसको मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी ऐसी मीडिया या ऐसे मेथड्स को कहा जाता है जिनके ज़रिए हम अपना इंफॉर्मेशन सेव कर लें बाद में यूज़ के लिए। मेमोरीज दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में, और राइट साइड पे आप इनकी एब्रिवेशन भी देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंटरनल मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। फर्दर इंटरनल मेमोरी कैटेगराइज्ड है रोम, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और रैम वोलेटाइल मेमोरी। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इंटरनल मेमोरी की सब कैटेगरी रैम, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एस रैम और डी आर रैम। फर्दर डी आर रैम को कैटेगराइज किया गया है एच डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर एच डी रैम। डी डी आर एच डी रैम को कैटेगराइज किया है डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3 और डी डी आर 4। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी चिप्स की फॉर्म में मदरबोर्ड पे होती हैं, जिसकी वजह से डेटा ट्रेवल करता है क्विकली मेमोरी और सीपीयू के दरमियान। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम ऐसी मेमोरी को कहा जाता है कि जिसमें हम रीड भी कर लेते हैं और राइट भी, मींस हम उसकी डेटा को पढ़ भी रहे होते हैं और उसमें चेंजिंग भी कर रहे होते हैं। रैम मेमोरी वॉलेटाइल है, मींस हम उसमें परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जब तक रैम में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टेडी रहेगा तो कंटेंट बरकरार रहता है, अदरवाइज लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर ऑफ होने के बाद डाटा सारा रिमूव हो जाता है। रैम भी दो टाइप्स की होती हैं, डायनामिक रैम डीआर रैम और स्टैटिक रैम एस रैम। डायनामिक रैम बहुत ही कॉमन टाइप की रैम है। डायनामिक रैम को एक सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश्ड होने की ज़रूरत होती है। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश्ड होने की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से फास्ट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। ये दोनों टाइप की रैम वॉलेटाइल हैं, मीन्स कि अगर पावर ऑफ होती है या कंप्यूटर ऑफ होता है तो इनका जो भी कंटेंट होगा वो लूज़ हो जाएगा। रोम ये इंटरनल मेमोरी की सेकेंड टाइप है। इसमें हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, मीन्स इसके डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम प्री प्रोग्राम मेमोरी है। रोम कंप्यूटर को स्टार्ट होने में और कोई सा भी डायग्नोस्टिक जो है वो परफॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। रोम के अंदर स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जिसको फर्मवेयर कहा जाता है, ताकि इसके अंदर डाटा स्टोर्ड हो सके। अब हम फर्मवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर परमानेंट सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोग्राम किए हुए होते हैं रीड ओनली मेमोरी में। फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक मखसूस क्लास है जो डिवाइसेस के मखसूस हार्डवेयर के लिए कम लेवल का कंट्रोल फ्राहम करती है। टाइप्स ऑफ रोम। रोम की टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम की एब्रिवेशन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम एक मेमोरी चिप होती है जिसमें हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं। एक बार जब पी रोम को यूज कर लिया तो उसके बाद उसको क्लीन नहीं किया जा सकता कुछ और स्टोर करने के लिए। रोम की तरह पी रोम भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सेकंड टाइप ई पी रोम।
EPROM की एब्रिवेशन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। EPROM स्पेशल टाइप की PROM है जिसको इरेज भी किया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट एक्सपोज करके, उसके बाद हम EPROM को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप EEPROM। EEPROM की एब्रिवेशन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM एक स्पेशल टाइप की PROM है जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सपोज करके। EEPROM की तरह इस मेमोरी को भी हम यूज़ कर सकते हैं डेटा इरेज करने के बाद। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे SIMM और DIMM के बारे में। SIMM मॉड्यूल में एक से ज़्यादा रैम चिप्स होती हैं एक ही स्मॉल सर्किट बोर्ड पर जो कि कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से। SIMM को डबल किया जाए तो DIMM बनता है। SIMM में जो मेमोरी चिप्स होती हैं वो डायनामिक रैम DRAM चिप्स होती हैं, जबकि एक इम्प्रूव फॉर्म है रैम की जो कहलाती है सिंक्रोनाइज DRAM मींस SDRAM। ये कंपैरिजन चार्ट की पिक्चर है SIMM और DIMM की। ये कंपैरिजन पांच चीज़ों पे बेस करता है। फर्स्ट बेसिक, सेकंड चैनल, थर्ड पावर कंजप्शन, फोर्थ स्टोरेज प्रोवाइड और फिफ्थ एप्लीकेशन। इस कंपैरिजन चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं कि SIMM और DIMM में क्या डिफरेंस है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जैसे हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, वैसे ही मेमोरी को भी मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको बाइट कहा जाता है। बाइट कम्बिनेशन है 8 बिट्स की और 4 बिट्स जो हैं वो 1 निबल बनाते हैं। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट है, लेकिन एक्सेसिबल जो यूनिट है मेमोरी का वो बाइट है। हम यहाँ एक मिसाल लेते हैं घर के सामान की, कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो किलोग्राम केजी में लेते हैं, लेकिन केजी से भी छोटी यूनिट्स होती हैं जैसे ग्राम, लेकिन हम ज़्यादातर जो डील करते हैं वो केजी में ही करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट भी बाइट है। इस स्लाइड में हम कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स देख सकते हैं कि 1 बिट एक बाइनरी डिजिट पे डिपेंड होता है 0 या 1। 1 निबल 4 बिट्स का होता है और 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ऐसे ही 1024 बाइट्स 1 KB बनाते हैं और 1 MB में 1024 KB होते हैं, एंड सो ऑन। सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है जो कि ज़्यादा देर तक लार्ज क्वांटिटी में डाटा स्टोर कर सकती हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मींस पावर ऑफ होने की वजह से जैसे इसमें से डाटा इरेज नहीं होता। ये मेमोरी स्लो और सस्ती होती हैं और CPU इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल में फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, CD या DVD और USB। ऑक्सिलरी स्टोरेज को हम यूज़ करते हैं डेटा और प्रोग्राम्स इनपुट करने के लिए और प्रोसेसिंग के आउटपुट रिजल्ट के लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क या फिक्स डिस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज़ करती हैं, जिसमें एक या उससे ज़्यादा घूमने वाली प्लेट्स होती हैं और वो कोटेड होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल से। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है SSD। सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही स्टोरेज डिवाइस है। इसके ज़रिए हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट और मेंटेन भी कर सकते हैं स्टोर्ड डेटा को परमानेंट स्टेट में विदाउट पावर के। SSD में घूमने वाली प्लेट्स में डेटा स्टोर नहीं होता। SSD में डेटा स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी की तरह। SSD में कोई भी मूव होने वाले पार्ट्स नहीं होते हैं, इसी वजह से इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने की टेक्नोलॉजी का है। हार्ड डिस्क ड्राइव सस्ती होती हैं और इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव फास्टर हैं, लाइटर हैं और मोर ड्यूरेबल
और ये एनर्जी कम यूज़ करती हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी रोम रीड ओनली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, जो कि आमतौर पर बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होती हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा कैपेसिटी की होती हैं और इनमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में 4.38 GB का डेटा स्टोर हो सकता है और कॉम्पैक्ट डिस्क में 650 MB का डेटा। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिनके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस के साथ।